गाइस कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो आ गया है जिसको मतलब अपने वेट करते हैं बेसिकली, बहुत टाइम हो गया भाई, कामरान एडिट भी नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा वीडियो बन गया है। एंड नाउ हम लोग बात करेंगे स्टेट्स में एक्चुअल में हुआ क्या है, जो भी BTS होता है पीछे वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ अभी। मतलब कामरान ने बोला है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप का शूट करते हैं, तो वी आर डूइंग दैट। अभी देवा आने वाला है तो देवा एंट्री करेगा अभी। तो गाइस हम लोग स्टेट्स में आ चुके हैं और मेरे साथ है द फेमस मोस्ट वांटेड देवेंद्र खुदे। बोलना चाहे कुछ, तेरा चैनल है तू ही बात कर। देखो ऐसा करता है बड़े लोग। अभी वी फर्स्ट आइटम देने जाने वाले, देखते हैं आगे क्या होता है। किस वक्त वार्म अप हो गया है, हम लोग ने लिया कुछ 220 kg। इजी मूव हुआ देवा, राइट? यस यस सर, वेरी इजी। वॉमिटिंग हुई, कामरान ने इस बार रिकॉर्ड किया है, होपफुली। अनिकत ने सर आपस उल्टी किया, हमें कैमरा लेके पहुंच गया हूँ, बिकॉज कंटेंट ब्रो, आज तुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिला के रहोगा भाई। उल्टी कर आपस उल्टी कर, ले एक और चॉकलेट ले। रिकॉर्ड किया ना, शायद आवाज़ आनी चाहिए। वो आवाज़ हम लोग डाल देंगे। SFX नहीं, बाद में एडिटर सब करता है। प्री रिकॉर्ड तो लेंस में गिरना चाहिए, वो भी इफेक्ट है। तो लेट्स गेट रेडी और फोड़ने का ट्राई करेंगे, नहीं तो आराम से खेलेंगे, बिकॉज इसके बाद नेशनल है और कल मेरा वर्कआउट है। ये सेम चीज़ मैं डिस्ट्रिक्ट पे सुनी थी, सेम ही होने वाले रे। और ये है ऑरेंज जूस, ये पियेंगे अभी हम लोग, बिकॉज बेसिकली आपको एनर्जी चाहिए होता है और हम लोग जब लिफ्टिंग करते हैं ना तो एनर्जी होती नहीं है। अभी तो कितना स्वेटिंग हो गया, पानी लॉस हुआ है, तो कुछ ना कुछ कार्ब्स ही होते हैं कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब जल्दी कार्ब्स ही होते हैं, राइट देवा? बहुत लोग गलती करते हैं, फैट्स खा लेते हैं तो उनको क्रैम्प्स भी आता है। आपने वड़ा पाव खाते लोग? वड़ा पाव खाते, मैंने भी खाया था। बोला या तो अभी ट्राई करेंगे, देखते कुछ उससे फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी मेरा नंबर आएगा तो रिकॉर्डिंग चालू कर देना। जरूर, चलो फिर पीस आउट। टाइम मिस नहीं करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट जो भी लिफ्ट होता है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, दैट्स इट्स स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में हम लोग का वार्म अप हो गया था ढंग से, आई वॉज एबल टू डू द लास्ट वार्म अप अराउंड 210 kg के आसपास लास्ट वार्म अप किया था। एंड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज 235 kg का स्क्वाट, विच मूव्ड प्रीटी इजी। बट उसमें लूज मोशन हो गया था, लूज मोशन, तो मैंने उधर किसी को बताया नहीं। एंड उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट लिया मैंने एट अराउंड 250 kg, या 250 kg का सेकेंड अटैम्प्ट लिया। इट वॉज प्रीटी गुड, मतलब बहुत ईजी फील हुआ मुझे। कुछ हैवी अटैम्प्ट करा था, वर्कआउट था नेक्स्ट वीक का, स्क्वाट का मैंने पहले ही कर लिया था, सो दैट्स द रीज़न। फिर 260 kg मारा, डैट वॉज ऑल्सो ईजी। RP6 लगा मेरे को, RP65 लगा, एंड विच फेल्ट वेरी ईजी, ऐसा कुछ डिफिकल्टी हुआ नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है कि भाई एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। मेन चीज़ आती है बेंच प्रेस में, जो अभी हम लोग आपको आगे बताएंगे बेंच प्रेस में सीन क्या हुआ। तो बेंच प्रेस में पहले सीन क्या हुआ, जो रैक पे हम लोग ट्रेन करते हैं, तो बेसिकली ये रैक है ऐसा, एज यू कैन सी, ये थोड़ा मतलब कॉम्पिटिशन ग्रेड रैक है जो इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में यूज़ होते हैं। तो ऐसे रैक थे नहीं उधर, उधर नॉर्मल जो ओल्ड स्कूल पावरलिफ्टिंग में बेंच प्रेस यूज़ होते वैसे थे, मतलब थोड़ा सा पतला बेंच एंड उसमें एडजस्टेबल आर्म्स नहीं होते, ये एडजस्टेबल आर्म्स है उसमें नहीं होते, सो दैट्स ऑल्सो फाइन फॉर मी, जब तक पीछे कोई अच्छा स्पॉटर खड़ा है हु कैन लिफ्ट ऑफ द वेट। बट मेन इशू किधर आता है, बाबल पे, जो बाबल पे हम लोग बेंच कर रहे थे वो बाबल पे नर्लिंग था नहीं। एज यू कैन सी, शार्प एज होता है जिसमें हम लोग का हाथ ग्रिप होता है, दैट्स कॉल्ड नर्लिंग। उधर के बाबल में नर्लिंग था ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब कुछ था ही नहीं, जीरो नर्लिंग, इट वॉज कम्प्लीटली प्लेन और उसके ऊपर मार्किंग भी नहीं था, तो आई वॉज नॉट एबल टू जज कि हाथ कहाँ पे रखना है। ये वीडियो में हम लोग दिखा रहे कि रियलिटी में होता क्या है कॉम्पिटिशन्स में, बिकॉज कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि वो चीज़ यू कांट प्रिडिक्ट कि भाई ऐसे कॉम्पिटिशन में होने वाला है, तो यू हैव टू जस्ट पुश थ्रू एंड देखना पड़ेगा कि आगे क्या सीन है। क्रैम्प्स मुझे बेंच के टाइम पे आया था, लोअर बैक रीजन में, मतलब जो
पानी नहीं पीता ना कंपटीशन के टाइम पे, हम लोग इतना फोकस नहीं करते अपॉन द न्यूट्रिशन बिकॉज अपना टेंशन होता है, मेन चीज़ ये होता है कि भाई पहले लिफ्ट हो जाए। सबवे खा रहा था, सबवे तो आफ आई गेस हाँ बिफोर कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन खाया था एंड एक डेडलिफ्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद खाया था, बट क्रैम्प चालू हो गए थे मेरे को सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में चालू हो गए थे क्रैम्प, पैर पे क्रैम्प आ रहे थे, फुट पे क्रैम्प आ रहे थे बिकॉज गर्मी का सीज़न अभी है तो और ज़्यादा स्वेट होता है मेरे को और ज़्यादा पानी का लॉस होता है, तो पानी पीना भूल गया था और सबसे मेन बात मेरा पानी ख़त्म हो गया था। तो कंपटीशन में कभी भी आपको तीन अटेम्प्ट मिलते हैं कोई भी मतलब पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में पर लिफ्ट, सो उसको अपने तीन अटेम्प्ट मिले जो पता चलते थे, अभी बेंच में अभी तीन अटेम्प्ट मिले मुझे, फिर मैंने मारा फर्स्ट अटेम्प्ट पे 150 kg विच वॉज प्रीटी ईजी, मतलब नॉर्मल वार्म अप होता है मेरा, उसके बाद 160 विच इज़ ऑल्सो माई वार्म अप वही प्रीटी ईजी मूव हुआ, बट सरप्राइजिंगली 170 बहुत ईजी मूव हुआ विच वॉज लाइक एट RP 5 or 4, मतलब बहुत ईजी, मतलब ऐसा लगता था कि आई कैन डू लाइक 5 to 6 रेप्स मोर, तो विच वॉज वेरी गुड। दैट्स फॉर द बेंच, अभी आते हैं डेडलिफ्ट पे। तो डेडलिफ्ट में एज यूजल एक ही वार्म अप किया विच वॉज एट 180 kg एंड दैट वॉज प्रीटी गुड, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट लिया विच वॉज एट 245 kg, जैसे 245 kg हुआ मुझे क्रैम्प आ गया और मैं नीचे बैठ गया, लिटरली स्क्वाट पोजीशन में बैठ गया, देन आफ्टर दैट मैं सोचा कि मुझे क्रैम्प कब आते हैं और मैं इसको कैसे रिलीफ करता नॉर्मल डे लाइफ में, तो मुझे याद आया कि जब मैं खाना खाता नहीं हूँ उसके बाद मुझे क्रैम्प आते हैं, तो सब भी पड़ा था एक बैग में, वो चालू किया मैंने खाना 265, जैसे मुझे अनाउंस हुआ क्रैम्प चले गए थे मेरे कम्प्लीटली, एंड कामरान ने वो क्रैम्प वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। यस, बोलते हुए कि उल्टी कर रहा है क्या दिस टाइम, यस या दिस टाइम रिकॉर्ड किया उसने। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने मारा 265 kg का विच वॉज प्रीटी ईजी, तो क्रैम्प में था इसलिए तो स्लो मूव हुआ, एंड लास्ट अटेम्प्ट वॉज 275 kg विच वॉज वेरी वेरी ईजी, मतलब बहुत ईजी मूव हुआ वो सरप्राइजिंगली, मतलब वो भी अच्छा, मतलब 4 to 5 RPE था, ये बताना मैं भूल गया था एक्चुअली, जब बेंच चालू हुआ था आई हैड अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब जानवर नहीं, वो ड्रिंक आती है मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, तो वो मैंने एक पिया था और मैं कैफीन कंज्यूम करता नहीं बिल्कुल भी, तो कैफीन बहुत टाइम कंज्यूम करता था, उसके भी इशूज़ होते हैं कि डिहाइड्रेशन कैफीन से भी होता है, तो दैट कैन बी अ मेन इशू फॉर द क्रैम्प्स, बट हु नोज उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलता है मेरे को एंड थोड़ा फोकस बढ़ जाता है कैफीन से, तो उसकी वजह से मैं कैफीन थोड़ा सप्लीमेंट करता हूँ, एंड दैट्स इट फॉर टोटल 9 लिफ्ट्स ऑफ द होल कॉम्पिटिशन, स्क्वाड की बात कर ली, बेंच की बात कर ली, नाउ डेडलिफ्ट की बात हो गई है, अभी रोड टू स्टेट्स इन नेशनल्स, तो हम लोग लिखेंगे ट्रेन टू नेशनल्स, चले अडोबी है हम लोग बिकॉज सीरीज बनाएंगे पर इस पे अच्छी, हम बिकॉज हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में हम लोग को लगा 24 आवर्स जाने के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग एक छोटा सा व्लॉग शूट करेंगे ट्रेन में बैठ के और उधर ही एडिट करके डाल देंगे, जब हम लोग पहुंचेंगे डेस्टिनेशन में डाल देंगे, तो आप लोग भी अपडेटेड होंगे कि लाइक डेली व्लॉग्स ट्राई करेंगे, कामरान ने बताया कि वो हफ्ते में 2 बार एडिट करके डाल सकता है वीडियो, तो अगर आपको चाहिए वैसा कंटेंट हफ्ते में 2 बार वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको इतना प्यार दिखाओ कि हमको भी लगे कि इन लोग हफ्ते में 2 बार कंटेंट चाहिए, जी हाँ, तो मैं भी मतलब मोटिवेट होके इसको आई कैन कीप मोर मनी एंड लाइक मतलब मेरा ही कैमरा मैन हो जाएगा ये, अरे पर्सनल कामना किधर है, अरे टट्टी नहीं हो रही, आ जा कैमरा लेके आ, मेरे लूज फोटो हो जाए, गिव अवे अलर्ट, अगर आप लोग इस वीडियो को मतलब अराउंड 250 लाइक्स और व्यूज कितना 1.5K वो तो आता ही है नॉर्मली, चलो फिर लेट्स कीप इट 6000 व्यूज एंड 250 लाइक्स उतना आया तो आई विल डू अ गिव अवे जिसपे स्मेलिंग सॉल्ट्स मिलेगा एंड लिक्विड चॉक मिलेगा, 10K पे जब हम लोग का सब्सक्राइबर बेस पड़ेगा तब वी विल डू अ बेल्ट का गिव अवे, दैट्स इट, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलना मत, वहाँ पे आके कुछ नहीं करूँगा मैं, सदा स्ट्रॉन्ग रहो, पीस आउट। +120 kg